हे गाइस, मैं हूं शीतू और स्वागत है आपका सीतू फैशन एंड ब्यूटी पे, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए लेटेस्ट फैशन वीडियोस एंड स्टाइलिंग आइडियाज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और लिस्ट शेयर करने वाली हूं। तो दुल्हन की शॉपिंग लिस्ट की मैंने काफ़ी सारी जो लिस्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं, और आज मैं शेयर कर रही हूं बाथ किट। तो बाथ किट में किन चीज़ों को आपको ऐड करना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नीचे दिए बेल के आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। सो गाइस, बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, बाथ किट आपको एक अलग से लेनी होती है, एक अलग से आप बाथ किट रखिए और उसमें आप अपने बाथरूम में यूज़ होने वाले सारे प्रोडक्ट्स को रखिए, ताकि आप लोगों आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। सो दुल्हन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने घर से किसी दूसरे घर पर जा रहे हैं, और अगर आप रास्ते में ट्रैवल भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इस किट से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये किट में आप अलग से ही अपने आइटम्स को रखेंगे तो एक बार में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और बाथरूम में यूज़ होने वाली सारी चीज़ों को आप इसमें रख सकते हैं। सो बाथ किट में सबसे पहले आपको रखना है शैम्पूस, तो उसमें एक छोटा सा इस तरीके का किट आप ले सकते हैं, उसमें आप एक शैम्पू रखिए, जो भी शैम्पूस आपको पसंद हो उसका छोटा साइज़ ही आप रखिए, बहुत बड़ा बड़ा वाला साइज़ मत रखिए, ताकि वो एक किट में ही आपके सारे आइटम्स आ जाएँ और आपको अलग से उनको कहीं और पर रखने ना पड़े, क्योंकि जब ये आप किट में सारा रख लेंगे ना तो एक बार में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रखना होता है शैम्पूस, तो जो भी आपको शैम्पू पसंद हो वो आप शैम्पू रख सकते हैं। वो अगेन रखना होता है सोप्स, तो नहाने के लिए जो भी साबुन आप यूज़ करते हैं वो रख सकते हैं, या फिर कोई भी बॉडी वॉश आप यूज़ कर रहे हैं तो वो रख सकते हैं, बॉडी शावर जेल, जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर वो चीज़ें आप लेना चाहते हैं तो इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इन्हें डायरेक्टली खरीद सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो आपको बाहर मार्केट बिल्कुल नहीं जाना है, जो भी चीज़ें आप खरीदें तो आप ऑनलाइन ही शॉपिंग करें, ऑनलाइन घर पर बैठ कर खरीदें, सेफ़ रहें। और जब भी आपकी शादी है, अपकमिंग जिन लोगों की शादी है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है मेरे इन वीडियोस को देखकर, तो आई होप आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट रखना होता है कंडीशनर, तो हेयर कंडीशनर जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप यूज़ करते हो वो आप कंडीशनर रख सकते हैं। सो गाइस, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अक्सर कर हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ों की लिस्ट शो आउट की है, इसलिए मैंने आज आपके लिए ये बाथ किट की भी पूरी लिस्ट शो कर दी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ताकि बिल्कुल भी आप कोई भी चीज़ ना भूलें। नेक्स्ट आपको टूथपेस्ट रखना होता है, तो जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो वो टूथपेस्ट रख सकते हैं। अगेन आप एक टूथब्रश रखिए अपने लिए, उसी किट में आप रख सकते हैं, तो उसी किट में आप एक टूथब्रश रखिए, एंड आप टंग क्लीनर उसी में एक रख सकते हैं, एंड उसी किट के साथ आप स्लीपर्स रखिए, क्योंकि स्लीपर्स की भी आपको ज़रूरत होती है बाथरूम पे। एंड मैंने जो फुटवेयर्स वाली लिस्ट शो करी थी उसमें भी मैंने स्लीपर्स को ऐड कर दिया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको बाथरूम में स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती है तो स्लीपर्स आप ले सकते हैं। एंड आपको लेना होता है टॉवल, तो एक टॉवल आप उसी किट के साथ ही रखिए, जहाँ पर आपने वो किट रखी है वहीं पर आप टॉवल रखिए, ताकि जब भी आप बाथरूम जाएँ तो वो आपको याद रहे और आप उसे उठा कर ले जाएँ। सो आउटफिट वाली लिस्ट में मैंने टॉवल्स पहले बता दिया था। एक आपको बाथ गाउन रखनी होती है, तो बाथ गाउन भी वहीं पर पास में ही रखिए, ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। एंड एक आपको लेना होता है इरेज़र, तो इरेज़र को आप ज़रूर रखिए, बिल्कुल भी उसे मत भूलिए। तो इस बाथ किट में आप इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, इन्हें रख सकते हैं। सो ये थी बाथ किट दुल्हन के लिए, जब भी आप अपने ससुराल जा रहे हैं तो इस किट को अलग से रखिए और उसमें ये सारी चीज़ों को रखिए, और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मत भूलिए। आई होप मैं कोई भी चीज़ नहीं भूली हूँ, अगर भूली हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सीतू पीटीएल। सो गाइस,